हे बॉयज एंड गर्ल्स एंड कुछ वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो बात करने वाले हाउ टू लर्न ड्राइंग एट होम, अपने घर पे कैसे ड्राइंग लर्न कर सकते हो बिना किसी क्लासेस को ज्वाइन किए। तो इस वीडियो में मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे अच्छी तरीके से कैसे ड्राइंग लर्न कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और आपको कोई क्लास को जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, बिकॉज मैंने बीच में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रखे जो कि आपकी ड्राइंग की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मैंने मोर देन ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। बेसिक बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई पोर्ट्रेट लेते हो ना, जैसे आप मान लो बेसिक सीखोगे आप, उसका जैसे पोर्ट्रेट पे जैसे आप जाओगे ना, तो उस पोर्ट्रेट में भी आपको सर्कल होंगे और जो भी लाइन्स होंगी वो होंगे। इसके लिए आपके जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाओगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक्यूरेट पोर्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आप ड्रॉइंग भी छोड़ सकते हो। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा बेसिक्स में फोकस करना है, आपको सीधा ड्राइंग मतलब पोर्ट्रेट में जंप नहीं मारना है कि आपको पहले पोर्ट्रेट सीखनी है। पोर्ट्रेट आपको धीरे धीरे आ जाएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी, इसलिए आपको पहले बेसिक्स सीखना है। बेसिक्स होते हैं आपके जो भी मतलब आपके बॉक्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, आप इनको पहले छोटे बनाओ, फिर देन उसको आपको थोड़ा आप उसकी साइज को बढ़ाते जाओ। उससे क्या होगा ना कि जो भी लाइन्स होंगी ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ कर मतलब खोलने जाएंगे धीरे धीरे, उससे आपकी जो बेसिक्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और मैं इस बेसिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो डेली लाइफ में बेसिक्स की अच्छी तरीके से, जो भी शेप्स होते हैं और भी लाइंस होती हैं उनके आप कैसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में एक अच्छी वीडियो बना दूंगा। तो आपको यही चीज़ को ध्यान रखना है कि बेसिक पर ज़्यादा फोकस करो। अगर एकदम आप आर्ट मतलब एकदम जो एक बिगिनिंग लेवल होती है उससे भी अगर आप एकदम स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्ट करने भी मतलब आपने स्टार्ट ही बस किया अभी, तब भी आपको एकदम बेसिक पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज ये जो बेसिक था ना, ये आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक हर जगह काम देंगी, इसलिए आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और डेली लाइफ में प्रैक्टिस जरूर करो। अगर इस बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने मेरे ड्राइंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो है कि दूसरे आर्टिस्टों को फॉलो करना। अब आपको क्या करना है ना, आपको दूसरे आर्टिस्ट को फॉलो करना है जिनको भी आप अपना आइडल मानते हो, कि मतलब उनके जैसे आपको ड्राइंग करनी है, अगर उनके जैसे आप ड्राइंग सीखना चाहते हो, तो आप उनको जिनको भी आप अपना आइडल मानते हो उनकी ड्राइंग को आप ज़्यादा से ऑब्जर्व करो कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, लाइक शेडिंग टेक्निक क्या होती है, वो आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, कि मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, उनके हाइपर रियलिस्टिक मतलब जो ड्राइंग्स होते हैं उनको ज़्यादा मत देखो, क्योंकि उससे ना आपको ज़्यादा लगेगा कि रियलिस्टिक ज़्यादा चाहिए। आपको स्टार्टिंग में अगर के प्रपोर्शंस एक्यूरेट होंगे ना, तो आपकी जो मतलब रियलिज्म वो धीरे धीरे ला सकते हो अपने ड्राइंग के अंदर। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि आपने जो भी आपको आइडल आर्टिस्ट आपको लगता है कि भाई ये आइडल या जो आर्टिस्ट है मेरा बेस्ट है, उस आर्टिस्ट को आप ज़्यादा फॉलो करो। और ऐसा नहीं, काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब आर्टिस्ट को फॉलो करना मतलब उनसे बात करना है फिर वो सब। अब भाई देखो, मैं भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हूँ और मेरे कोई बहुत ज़्यादा बहुत ही अब लेवल नहीं है, इसलिए मैं जो भी अपने आर्टिस्ट को जितने भी आर्टिस्टों को मैं फॉलो करता हूँ ना, उनके पास ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि उनके साथ आपको इंटरेक्ट करके कॉल में बात या फिर मैसेज में बात करने के लिए आपको मान लो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आप फॉलो करते हो तो उनसे बात तो नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। इसलिए आपको क्या करना है, बस उनके आपको ड्राइंग को ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है, किस टाइप का ड्रॉ किया है, क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं अपने शेडिंग आउटलाइन और जो भी वो मतलब अलग चीज़ें, या फिर उनकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वो कैसे टाइप के प्रैक्टिस करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। वो सेम रूटीन आपको कुछ हद तक अपने डेली लाइफ में लाना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ड्राइंग है वो दूसरे आर्टिस्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसको काफ़ी लोग सोचेंगे यार मैं कॉपी करूँगा, बिकॉज एक होता ना कि यार आपको कॉपी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक होता ना कि अगर आपसे नहीं आ रहा कुछ पर, आप एकदम बिगिनिंग लेवल पे है, आपको कुछ भी नहीं आता अच्छे तरीके से मतलब पोर्ट्रेट या फिर बेसिक कुछ नहीं आता, दूसरे आर्टिस्टों को देखोगे ना कि वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ड्रॉ करने के एटलीस्ट ट्राई करोगे। जब जैसे आप उनको एटलीस्ट ड्रॉ करके ट्राई करोगे, उससे आपकी जो ड्राइंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे एक्यूरेट ड्रॉ ना हो, एक्यूरेट आप ढंग से ड्रॉ ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत सी इंप्रूव होगी। उनके पास आप फॉलो करते रहो, देखते रहो कि वो किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपको बस यही चीज़ करनी है, अपनी जो भी आइडल आर्टिस्ट है, फिर जो भी आपको आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं उनको आप फॉलो करो, उनके ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करो, उनके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करो, जो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जगह पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि वो किस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। सेम प्रैक्टिस को कुछ आप भी करो, और इससे आप मतलब किसी भी क्लासेस बिना क्लासेस को ज्वाइन किए आप अपने ड्राइंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। यहीं पे एक बात आ जाती है कि क्या हमें क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी लोगों के मतलब डाउट होता मन में कि हमें क्या क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो क्लासेस अभी इतने ज़्यादा कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती क्लासेस की,
तो आप कर सकते हो ज्वाइन, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपकी जो ड्राइंग जल्दी जल्दी इम्प्रूव होगी, बिकॉज आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके बात, मतलब जो भी आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो तुरंत आप पहुँच पाओगे। लेकिन आप कोई भी चीज़ करते हो ना तो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप जाकर वो सीख पाओगे। मतलब अगर लगा लो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपको फिट नहीं होना है, मान लो अगर आप मोटे हो, अगर आपको फिट होना है तो आपको फिट होना है तो भी आपको वर्कआउट, आपके जो एक्सरसाइज होते हैं वो कंसिस्टेंटली करने चाहिए, तभी आप एक अच्छी बॉडी पा पाओगे। तो सेम ड्राइंग की फील्ड में भी है, आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जो भी आप मतलब क्लासेज अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन के पीछे मत भागो, आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो। अगर आपकी ड्राइंग एकदम एज अ हॉबी है, मतलब आप अगर कुछ लोग होंगे भाई जो उनको पैशन, मतलब उनका पैशन लगता होगा एकदम भाई मन लगता है ना ड्राइंग के अंदर, तो आप चाह सकते हो कुछ हद तक कि हाँ भाई मेरे को ड्राइंग फील्ड में अंदर जाना है, और तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्लासेस को ज्वाइन करो, बिकॉज हो सकता है कुछ आर्टिस्ट आपको सही गाइड करें, हो सकता है कुछ आर्टिस्ट आपको उल्टा पुल्टा गाइड करते हैं जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर लेते हो कि यार ये उन्होंने ऐसा कहा था, फिर उन्होंने ऐसा कहा था। बिकॉज क्या होता है ना कि आप 10-15 आर्टिस्टों की बात जब सुनते हो, वीडियोज देखते हो या फिर उनसे अगर आप इंटरेक्ट भी करते हो ना, तो फिर वो 10-15 आर्टिस्टों की जो थिंकिंग होती है वो आपके दिमाग में आती है, फिर आप अपने थिंकिंग का मसाला छिड़क के उससे अपने एक अलग ही ओवर थिंकिंग वाले लेवल पर ले जाते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब ओवर थिंकिंग इम्प्रूव नहीं होगी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आप करोगे उससे आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी ड्राइंग के ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा धीरे धीरे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, अगर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने, अगर आपको ड्राइंग एकदम अच्छे तरीके से सीखनी है, आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपने सुना ही होगा। तो आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आप जो एक अच्छे आर्टिस्ट के लेवल पर उसमें आप पहुँच पाओगे। आपको प्रैक्टिस नहीं होता है, जो भी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है आपको पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करते रहनी है। स्टार्टिंग में अगर ऐसे पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं होता है तो आप, मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ दो, आपको करनी ही नहीं हो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही और एक्सपेरिमेंट से ही आपको आएगा और आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना है, धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि आपने आज आपको बेसिक्स अच्छे से नहीं आते और आपने सीधा पोर्ट्रेट पर जंप मार दिया, क्योंकि आपको पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शन समझ नहीं आएंगे, जो मेजरमेंट है उसमें दिक्कत होगी कि कहाँ पे आइज़ होते हैं, कहाँ पे नोज़ होते हैं, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर आप ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब ड्राइंग है उसके अंदर बेसिक्स को इंक्लूड करो और पोर्ट्रेट पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि पोर्ट्रेट पर तुम ध्यान ही नहीं देना, पोर्ट्रेट भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छे से जल्दी इंप्रूव होगी। बस यही था, आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ज़्यादा आप ज़्यादा सीखोगे। और आप मतलब अगर आप सेल्फ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, मतलब खुद से हमने सीखा है, तो देखो यार कोई खुद से नहीं सीखता। अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत मुझसे सीखोगे, तो आप अपने आप को सेल्फ टॉट भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सीखा ही है, या तो आपने किसी को देख के सीखा है, या तो आपने किसी को मतलब मान लो कि आपने किसी के वीडियो से सीखा है, या किसी ने आपको सिखाया है, तो ये आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट नहीं कर सकते किसी को भी। जैसे कोई भी बंदा सेल्फ टॉट नहीं होता, क्योंकि वो सब किसी ना किसी को देख के ही सीखते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ऐसा कोई ड्राइंग बहुत बड़ा वो नहीं है कि मतलब तीर मारना है आपको, बस आपको डेली अपने जो भी आप टाइम निकालते हो 10 से 15 मिनट भी अगर आप थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हो ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हो, लाइक स्टूडेंट हो, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, स्कूल वूल जाना है तो वहाँ वाला टेंशन, अगर आप घर पर भी आओ ना तो बहुत हुआ तो आप 1 घंटा तो एटलीस्ट निकाल लो अपने ड्राइंग के लिए। बिकॉज अगर आपको अच्छी हॉबी है, मतलब आपको मज़ा आता है उसको करने में, तो आप उसके लिए 1 घंटा भी निकाल लोगे तो वो वर्थ रहेगा आपका 1 घंटा। इसलिए आप अपने उसके लिए 1 घंटा निकालो और अच्छे तरीके से उसमें अपना प्रैक्टिस, ड्राइंग, जो भी आपको मज़ा है वो करो। और अगर आपको ड्राइंग को प्रेशर जैसे नहीं लेना है, काफ़ी लोग क्या होते हैं कि प्रेशर लेते हैं यार कि ड्राइंग करनी है। ड्राइंग एक इंजॉयमेंट का प्रोसेस है, यह आपके माइंड को क्लियर करता है, आपकी माइंड को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। इसलिए ड्राइंग को एक ऐसा प्रेशर मतलब कि यार मेरे से ड्राइंग होती नहीं है, मैं बना नहीं पाता हूँ, उसको एक प्रेशर मतलब कि यार मेरे को बनानी ही है, बना के दो उनको, मैं तो वो एक इंजॉयमेंट में आप लोग, क्योंकि इंजॉयमेंट में रहोगे कि जर्नी वो आप लंबी चल पाओगे। नहीं तो अगर आप इसमें प्रेशर में रहोगे तो कुछ टाइम तक चलोगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो कंसिस्टेंटली टूट जाएगी और आप ड्राइंग काफ़ी हद तक और ड्राइंग साथ दूर हो जाओगे। तो आपको ये बातों को ध्यान रखना है, प्रेशर जैसे मतलब ड्राइंग को एक इंजॉयमेंट प्रोसेस लो। गाइस बस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं आगे एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स होते हैं या फिर बिगिनर्स एडवांस लेवल भी जा रहे हो, उनके लिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप शेडिंग कैसे कर सकते हो, फेस शेडिंग में कैसे कर सकते हो, आइज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, लिप्स, ऑल टोटल ऑन पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आगे आने वाली बहुत स्पेशल वीडियोज़ को मिस कर जाओगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि वो लोग भी इससे इस चीज़ को समझ पाए कि वो घर में कैसे ड्राइंग सीख सकते हैं। और गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे अपनी जो भी ड्राइंग्स मैं बनाता हूँ उनकी पोस्ट मैं वहाँ भी करता रहता हूँ और आपको वहाँ पे ज़्यादा अपडेट मिलते रहेंगे कि मैं कौन से ड्राइंग बना रहा हूँ, अपडेट मिलते रहेंगे कौन कौन से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें बना रहा हूँ। तो आपको ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आपसे ज़्यादा जरूर फॉलो करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।